रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि यार जाओ वीडियो को, वीडियो कह रहा हूँ, जाओ और फिल्म को देखो, उसकी स्टोरी को समझो, उसके बाद तुम्हें अपना आप समझ में आ जाएगा आगे का क्या सीन है। बस जाओ और उसको वॉच जरूर करो, केरला द केरला स्टोरी, प्लीज यार। व्हाट्सअप एवरीवन, तो क्या चाल है सभी के, उम्मीद है सर भाई बेस्ट होंगे। एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा इंस्टेंटली प्लान बन गया है मूवी देखने का। अब मूवी कौन सी है? द केरला स्टोरी। उस मूवी के बारे में मैं बहुत टाइम से मतलब दिमाग में चल रहा था मेरे के जाऊं देखने, लेकिन जा नहीं पा रहा था, सिचुएशन ऐसी चल रही थी। लेकिन अभी फिलहाल प्लान बन चुका है और हम जा रहे हैं। उस मूवी का रिव्यू मैं आने के बाद दूंगा और बताऊंगा कि मूवी कैसी है कैसी नहीं है, और पूरा और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो चलते हैं हम पहले मूवी देखने। धूप देख लो भाई, क्या धूप हो रही है, बर्दाश्त से बाहर। लेकिन मूवी की हाइप ही इतनी है कि हम अपने आप को जाने से रोक नहीं पा रहे, इसलिए निकल चुके हैं घर से। ऑटो लेंगे और ऑटो लेके पहुंचेंगे, पैसिफिक जाएंगे या फिर ईडीएम जाएंगे। ईडीएम तो नहीं है पता, ज़्यादातर पैसिफिक ही जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलते पहले ऑटो लेते हैं। ऑटो में मिल चुका है और अभी दीदी का वेट कर रहे हैं। दीदी भी आ रही है, मेरी दीदी बोल रही है रेड वाले में जो आ रही है। दीदी हाँ भाई घुमा लेना, उन्हें देखना अपनी जान में चल रही। दीदी दीदी नहीं सुन रही। फाइनली हम पहुंच चुके पैसिफिक मॉल और अभी चलते हैं टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद चलते हैं अंदर। तुम्हारी चेकिंग तो कुछ ज्यादा कैरी कर रहे थे। अंदर आ चुके हैं, टिकट मिल गई है, लेकिन टिकट का प्राइस हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था जितना है। एक मिनट रुको, एंट्री अंदर ले चुके हैं और ये वाला थिएटर है हमारा, थिएटर 2। फिलहाल जाते हैं वॉशरूम में, कुछ थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद अंदर लेते हैं। ये क्या आइटम है? ओ भाई गरम गरम हीट पैक पूरे हाथ हार ड्राई कर दिए इसने तो यार। ओ भाई सीरियसली यार पूरा हाथ देखो भाई, हाथ देखो, एक पानी की डॉट नहीं मिलेगी रात पे, मान गया। चल चले फोटो तो ले। ये हमारा फूड कूपन जो कि हमसे बिना पूछे दे दिया गया बिना पूछे दे दिया उसने यार, हम तो टिकट समझ रहे थे। नहीं पूछा था दीदी यार, हाँ उन्होंने पूछा था, इन्होंने पूछा ही नहीं हमसे, लड़की थी ना इसलिए ऐसा हुआ। भैया बैठे थे उस समय जो हंसल प्लाजा में। हाँ पता है। चलो ये एंटर ले लेते हैं। अरे अंदर ही पता लगेगा, आ जाओ बता देंगे। एंट्री 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 डन। ग्रीन 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 बैठ चुके हैं, बस खाली मूवी स्टार्ट होने का टाइम है, बाकी है। छोटा नहीं लगा दीदी, क्योंकि ना हम हमेशा बीच में बैठते हैं जब भी बैठते हैं। आज ऊपर बैठे बिल्कुल अलग आ गए। अभी इंटरवल हुआ है और जस्ट अभी हम बाहर आए, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद रिटर्न दोबारा अंदर जाएंगे। दीदी मूवी डन हो चुकी है और हम जा रहे हैं अभी घर, और घर जाके नहीं नहीं डिस्कशन करेंगे इस मूवी के बारे में कि भाई
कितना गुस्सा मन में भरा हुआ इस मूवी को देखने के बाद, बहुत ज्यादा भाई। चेहरे पे स्माइल है वो अलग चीज है, लेकिन सीरियसली अंदर से इतना दिमाग खराब हो रहा है ना बहुत ज्यादा। तो पहले चलते हैं घर, और घर पहुंच के फिर बात करेंगे बैठ जाते से। बाहर अलग ही चमक रहा है ना कि गर्मी कितनी होगी। यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर एक कदम ये लो भाई आ गए, और आते के साथ ही हो लू देगा लू। अरे ढाई घंटे के आसपास से, ढाई तीन घंटे के अंदर बैठे थे ना इसी में। आप देखो उल्टी जगह से भी निकल रहे हैं, ये ना उधर से निकल जाए। आओ यार कहीं से निकल जाता है कहीं से। अब मेरा फोन होगा हीट बहुत ज्यादा। हाँ, फाइनली हम आ चुके हैं मूवी देखकर, और मूवी देखने के बाद सटकी पड़ी भाई कसम से बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि उसमें कुछ सीन्स ऐसे ऐसे दिखाए गए ना जो सच में भाई यार दिल को चुभ रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से चुभ रहे थे। ये सोचो जो एलिश भाई ने अपने व्लॉग में बोला था ना कि मूवी के बारे में जो उनका गुस्सा था भाई, वो सेम हाल यहाँ भी है। क्या है ना, देखो अगर ये कोई कहानी होती बनाई हुई, स्क्रिप्ट होती कोई, तो हम एक यकीन कर लेते, मतलब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यार ये एक रियल स्टोरी है, और मतलब फिर उस मतलब एक रियल स्टोरी है, फिर हमने देखा मूवी के अंदर कि उनके साथ उस टाइम क्या हुआ और क्या किया इन लोगों ने भाई, उसे देख कर ना मत्था बहुत ख़राब हो गया भाई। भाई सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है और दिल से रिक्वेस्ट है कि भाई जाओ और इस मूवी को देखो। बट इसके ऐसे ऐसे सीन थे ना यार, बेसिकली क्या है, ये तीन लड़कियों के स्टोरी के ऊपर मतलब इसको दिखाया गया है मूवी को। इसमें क्या होता है कि वो केरला के रहने वाली होती है, वो फिर पढ़ने जाती है कॉलेज में, वहाँ जाकर उसको मतलब रहती है, फिर एक उसकी रूममेट ऐसी होती है जो उसको दिमाग ब्रेन वॉश कर देती है। ब्रेन वॉश करने के बाद कुछ लड़कों से मुलाकात होती है, जो कि समझ जाओ उन लड़कों से मुलाकात होती है, उनके साथ रहती है, उनके साथ घूमते फिरते हैं, दोस्ती गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती गहरी होने के बाद प्यार में बदल जाती है दोस्ती, फिर प्यार में बदलने के बाद घूमते हैं फिरते हैं मौज लेते हैं, उसके बाद वो कर लेते हैं लास्ट में शादी, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद वो कर लिए मजबूरी हो जाती है उसकी शादी करना, क्योंकि वो उस हालात में अपने घर भी नहीं जा सकती और कहीं नहीं जा सकती, उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उसको फिर मजबूरन उससे शादी करनी होती है, उससे शादी करने का प्लान में रहती है, वो लड़का भी उसको धोखा दे के भग जाता है जान पूछ के। ये एक प्लानिंग है, कोई ऐसा नहीं कि धोखा दे देता किसी रीज़न से, नहीं, ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो धोखा दे देता है। उसके बाद फिर किसी और लड़के से उसकी शादी होती है, वो लड़का उसको कहीं बाहर ले जाता है, सीरिया वगैरह ले जाता है, वहाँ ले जाने के बाद उसको मतलब एक मिशन, उसका ब्रेन वॉश करके उसको मिशन दे दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, और ऐसे हमारा साथ देता है, ले जाता है वहाँ पे, उस मिशन को साथ देता है। लड़की की एक फ्रेंड होती है, वो समझ जाती है कि ये गलत हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, वो कॉल करके बोलती भी है, लेकिन वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, वो बोलती है हम हनीमून पे जा रहे हैं। ऐसे सीन हो जाता है भाई, वहाँ पे जाके इनके साथ गलत सीन होते हैं। बाद में लड़की को रियलाइज़ होता है, तो वो पड़ी रहती है कहीं ना कहीं, वहाँ से पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है, फिर पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती कि तुम जो बता रहे हो सच बता रहे हो, क्योंकि वो बताती मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ, मेरा ब्रेन वॉश किया गया, बट पुलिस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। भाई पुलिस एक्सेप्ट करेगी भी कैसे, क्योंकि वो शुरू से अपनी मर्जी से इंडिया से बाहर आई है, सब कुछ उन्हें अपनी मर्जी से शादी की है, तो इसलिए पुलिस को लगता है कि ये मिली जुली साजिश इसकी। उसके बाद उसकी जो छोटी बच्ची होती है, बच्ची होने के बाद भी बच्ची भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाती है, वो ले जाते हैं अपने इधर उधर नहीं क्या, वो ले जाते हैं छीन लेते हैं इनकी बच्ची को। उसके बाद वो बेचारी अकेले जाती है, लास्ट में पुलिस वाले मिलती है, वो अपनी कहती है मेरी बच्ची से मेरे को मिलवा दो। तो हालांकि क्या है कि मूवी में एंड होने के बाद बताया गया है कि 2 से 3 महीने बाद वो बच्ची उसको मिल गई थी, लड़की को उस मतलब उस लड़की को उसकी बच्ची मिल गई थी। बट बहुत बेकार लगा यार मूवी देखने के बाद, बहुत ज़्यादा बेकार लगा। जितने भी लोग वहाँ पे थे सब एक ही बात कर रहे थे कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उस चीज़ को देख देख के बहुत दुख हुआ, जो कि भाई दिमाग ख़राब हो गया भाई। रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि यार जाओ वीडियो को, वीडियो कह रहा हूँ, जाओ और फिल्म को देखो, उसकी स्टोरी को समझो, उसके बाद तुम्हें अपना आप समझ में आ जाएगा आगे का क्या सीन है। बस जाओ और उसको वॉच जरूर करो, केरला, द केरला स्टोरी, प्लीज़ यार। तो बाकी यार आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही था। बाकी अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम।